तो देखिए छोटे नंबर को बड़े नंबर से हम किस तरह से डिवाइड करेंगे। यहां पर ये जो अंदर नंबर लिखा हुआ है ये नंबर छोटा है और इसको हमें बड़े नंबर से डिवाइड करना है। तो अगर अंदर वाला नंबर कभी भी छोटा मिल जाए तो सबसे पहले आप अंदर वाले नंबर को इसके बराबर या फिर इससे बड़ा बनाएंगे। तो कैसे बड़ा बनाएंगे वो देखिए, अगर ये नंबर छोटा है तो सबसे पहले यहाँ पर एक जीरो लगाएंगे और जीरो के बाद आप अपने मन से एक पॉइंट लगाएंगे। इतना काम आप अपने मन से करेंगे और जैसे ही पॉइंट लगाएंगे वैसे ही आप यहाँ पर एक जीरो लगा सकते हैं। ठीक है, पॉइंट लगाने की वजह से एक जीरो लगा सकते हैं। अब ये नंबर देखिए इससे बड़ा हो गया, ठीक है। अब इसका पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि ये नंबर आए या इससे कम आए, तो इसका पहाड़ा अब हम दो बार पढ़ेंगे, 250 आ जाएगा और लाइन को खींच के फिर इसको घटाया जाता है। घटाने पर यहाँ जीरो, यहाँ पांच और यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा। घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ा के फिर से आप यहाँ अपने मन से एक जीरो लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि पॉइंट पहले से लगा हुआ है इसलिए। तो हमने जीरो ये वाला इसलिए लगा लिया पॉइंट की वजह से। अब इसका पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि ये नंबर आए या इससे कम आए, मगर इसका पहाड़ा तो हमको आता नहीं है। तो हम किस तरह से सोचेंगे? तब हम इस तरह से सोचेंगे कि यहां पर कौन सा नंबर लिखें कि उसका इसमें गुणा करने पर ये नंबर आए या फिर इससे कम आए। तो यहां पर हम चार लिखेंगे और चार का जब इसमें गुणा करेंगे तो यही नंबर आ जाएगा। देखिए चार पंजे 20 की जीरो हासिल लगी दो, चार दुना आठ और दो जोड़ेंगे तो कितना 10 हो जाएगा, 10 का जीरो हासिल एक लगा। फिर चार का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे, चार एक कम चार और एक ये हासिल जोड़ लेंगे तो मिला के पांच हो जाएगा। फिर लाइन को खींच के घटाएंगे, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ पर भी कुछ नहीं और यहाँ पर भी कुछ नहीं बचा। घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ा के अगले नंबर को नीचे उतारा जाता है, मगर आगे कोई नंबर है नहीं, नीचे कुछ बचा भी नहीं है। तो इस तरह से आप छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और नई वीडियो में, जब तक के लिए बने रहिए जय अक्सर के साथ।